भाई मैं ना पुलिस को फोन कर रहा हूँ। तो भाई फिर पुलिस ने इधर उधर देखा तो भाई गाड़ी के ऊपर से मिले 2 लेटर अभी भी। भाई मैंने एकदम कॉप्स को कॉल कर दिया, पुलिस आ गई। फिर यार एक बार हद होगी यार, मतलब यार रुक तो जाता कम से कम चीज था। तो यार आपको अब बात भाई मैं ना यहाँ खड़ा था इस प्लाजे में और भाई ये देखो मेरा ना दिमाग खराब हो गया भाई ये ना देख के। नहीं भाई कौन मार के चला गया भाई, एक एक कहीं गाड़ी में स्क्रैच तक नहीं था। ये देखना भाई क्या हाल कर रखा है भाई। एक तो ना कैमरे, एक तो ये लगा हुआ है, ठीक है सच में यार। यार एक बार हद होगी यार, मतलब यार रुक तो जाता कम से कम। भाई मैं ना पुलिस को फोन कर रहा हूँ क्योंकि भाई मेरा ना दिमाग खराब हो रहा है भाई देख देख के ना। भाई एटलीस्ट पूछ लेता किसकी गाड़ी है ना। भाई मैंने कर दिया पुलिस वालों कॉल, पहले दिन आया था यहाँ, पहले दिन ही कांड हो गया। अब देखते हैं भाई कब तक आती है पुलिस, ऊपर से गर्मी तो नहीं हो रही मेरा। भाई बड़ा लेट सिस्टम है यार भाई, अभी तक नहीं आई पुलिस, देखते हैं। तो मामा गड्डी ठोक गई। अकाउंट सेटअप और टेक्निकल कुछ को ना देख। थैंक यू, हु डू आई हैव द प्लेजर स्पीक विद टुडे? दिस इज रोहन। एंड आर यू कॉलिंग इन रिगार्ड्स टू अ क्लेम टुडे? 50 साल दा सी जिने मारी है। 50 साल दा नहीं जी, 50 साल दी ही। चल जो भी आ ना देखे दा की नाम नाम भी लिखेगा। आ लिखा है आ ना थल्ले मिडिल नेम आ ता मेरा भी लिखा है तेरा भी लिखा हुआ हो तेरा की गड्डे है। हां ओदी सारी इंफॉर्मेशन आ तेरी है। से इट अगेन। हाय गर्मी हो रही है भाई बहुत ज्यादा। टेरिबल एंड रॉली जस्ट डिडंट सीम लाइक दैट बिग ऑफ एन एयरपोर्ट दैट आई डिडंट। तो फाइनली अब बात करते हैं कि सीन एक्चुअल में हुआ क्या था। तो भाई मैं उस प्लाजे में था, स्टोर के अंदर ना बाहर आया और मैं ना कॉल पे बात कर रहा था। मैं ना मेरे ना एकदम से ना नजर पड़ी अपनी गाड़ी पे, ठीक है। और भाई ना मतलब पहचान में नहीं आ रही थी, टूट रखी थी पूरी, आपने देखी होगी, ठीक है। मैंने इग्नोर कर दिया एक बार तो कि भाई किसी और की होगी, ठीक है। एक बार को तो मेरे को यकीन नहीं हुआ, मैं कहा भाई ये कौन मार गया, मेरा हो गया दिमाग खराब। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने पहले सीसीटीवी कैमरास देखे आसपास हैं, फिर थे भाई। मेरे को फोन निकाला, कैमरा निकाला और स्टार्ट कर दिया डायरेक्ट, ठीक है आपने देखा होगा। तो अब तो मैं घर भी आ गया, अब बताता हूँ आपको सीन क्या। उसी गाड़ी में बैठा हूँ मैं, सुनो बस। अब ये एक्सपीरियंस नहीं किया था मैंने आज अभी तक अमेरिका में, ठीक है भाई। मेरा हो गया दिमाग खराब, मैं भाई किसने मार दिया, मेरे सामने लगी होती भाई मैं तो रोक लेता। भाई मैंने एकदम कॉप्स को कॉल कर दिया, पुलिस आ गई। फिर भाई पुलिस को बताया मैंने ऐसे ऐसे करके, भाई मेरी गाड़ी ठोक रखी है, पता नहीं मेरी भाई गाड़ी ठोक रखी है और भाई कोई है ही नहीं यहाँ पे। एक्चुअली बंदा मार के चला गया था, है ना। तो भाई एक्चुअली ना जिसने मारी थी वो चला गया था ऑलरेडी, है ना। तो भाई फिर पुलिस ने इधर उधर देखा तो भाई गाड़ी के ऊपर से मिले 2 लेटर अभी भी गाड़ी में पड़े होंगे। मैं दिखाने तो क्यों है। तो भाई लेटर उसने पुलिस वाले ने देख लिया, मेरा नहीं ध्यान गया था उन पे टू बी ऑनेस्ट। तो भाई उसने देख लिया, उसमें नंबर लिख रखा था उन्होंने अपना और एक विटनेस का नंबर लिख रखा था ना। मैंने तो देखे नहीं, मैंने पुलिस वाले को बोल दिया कि भाई मैंने नहीं देखे थे, कि मैं तो डायरेक्ट कॉल ही लगाई है। तो भाई पुलिस ऑफिसर ने कॉल करी मेरे नंबर से, भाई उसका भाई एक बार को तो लेडी थी कोई, एक बार को तो वो होगी कि भाई हमने नंबर छोड़ा था पुलिस को, पता नहीं किसने बता दिया ये वो। पुलिस ऑफिसर ने बोला कि हाँ भाई, उसने सब मतलब पुलिस ऑफिसर ने पूछा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करके है, तो उसने ना लेडी ने एक्सेप्ट कर लिया, नाइस थी उसने ना एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई मैंने करा, और मे बी शायद मैक्सिकन थी, ठीक है। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मैंने करा, और पुलिस वाले ने फिर उसकी लाइसेंस नंबर ये वो सारी डिटेल्स वगैरह ली, कैसे लगी सारा कुछ कंफर्म कर दिया। बोल रही थी कि कोई आया नहीं, हम तो फिर रुके हुए थे वहाँ पे, तो हम अपना नंबर छोड़ के चले गए, किसी ने कॉल भी नहीं करी, डायरेक्ट पुलिस की कॉल आई है। मेरी क्या गलती है, मैं तो पुलिस को ही करूँगा ना कॉल, और ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट साथ में ले रखे थे, मैं कुछ भी मांगेगा तो दे दें। फिर से मांगा नहीं कुछ भी, मैं रिपोर्ट करा दी एंड उसने रिपोर्ट निकाल के दे दी ऑफिसर ने मेरे को कि भाई। उसके बाद भाई मैंने कॉल करी इंश्योरेंस वालों से डेढ़ घंटा, तो अब उन्होंने मेरी इन्फॉर्मेशन ली, सारा कुछ निकाला,
एंड में बोलते भाई जो उनकी सेकंड पार्टी है वो आपका, एंड में बोलते कि भाई जो सेकंड पार्टी है वो आपकी कवरेज देगी है ना, उनकी इन्फॉर्मेशन दो। ये कैरी ने उनकी इन्फॉर्मेशन ली, सारा कुछ लिया। एट दी एंड भाई मैंने गाड़ी की फोटो भेजी उन्हें कहाँ कहाँ से डैमेज है। उसके बाद अब इंस्पेक्शन होगी, अगर आप गलत नहीं पाए जाते मतलब आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। मैं कहा भाई पार्किंग लॉट में मेरी गाड़ी खड़ी है, मैं स्टोर के अंदर हूँ, गलत कहाँ से हो जाऊंगा, मैं इंस्पेक्शन क्या करनी है इसमें। भाई तू कैमरे चेक कर ले वहाँ। मैं कहा भाई तू कैमरे चेक कर ले जो मर्जी कर। मैं एट दी एंड भाई मैंने उससे पूछा मैं गाड़ी कर ले जाऊंगा, फिर जो बम्पर निकला हुआ था अपने देखा भाई, हम भाई आ गए थे अपने एक, तो फिर हम दोनों ने निकाल दिया वो, तो फिर मैं गाड़ी ले आया अब घर। अब भाई से यहीं खड़ा, अब भाई इसे नहीं चला रहा मैं। इंश्योरेंस का देखते हैं यार, अब उन्होंने बोला कि 24 to 48 hours के अंदर अंदर, तो उसके बाद देखेंगे क्या होता है। वेल भाई तो ये सीन हुआ था उसके, और भाई गर्मी इतनी थी दिमाग खराब हो गया था पूरा। एक चीज़ था तो यार आपको अब बाद में इतना नहीं लग रहा क्योंकि ये तो पता, ये तो है कि हाँ भाई ठीक हो ही जाएगा। ऑन दी स्पॉट भाई गाड़ी देखते हैं ना अपनी, तो भाई बहुत वो हो जाता है ना, और वो भी यार अपनी गलती ना हो जब ऐसी खड़ी हो है ना। बट खैर कोई नहीं, सामने यार सामने वाला अगर कोई लाइटर ना छोड़ता ना फिर ज़्यादा दिक्कत होती। चलो उन्होंने छोड़ दिया ना ठीक थे, बट कोई नहीं सह लेंगे। जब वहाँ शूट कर लिया अब ये भी पूरा शूट कर ही देता हूँ, तो होपफुली ये व्लॉग छोटा सा होएगा, व्लॉग नहीं से कह सकते इसमें भाई नुकसान ही हुआ है ठीक है। तो होपफुली मैं मतलब मेन चीज़ ये थी कि आप केयरफुल रहो भाई, ऐसे ऐसे प्लाजा में मत खड़ी करो। और भाई ये है कि भाई अपना देख के लगाना यहाँ पे, जहाँ मर्जी लगाओ चाहे, और थोड़ा ना ऐसी जगह पे लगाना ताकि स्पोर्टेबल हो कहीं से है ना सीसीटीवी कैमरा, तो इजी रहे मतलब है ना। तो ऐसे खड़ी खड़ी में मार जाते हैं मेरे को तो आज पता चला ठीक है। तो होपफुली भाई आपको अच्छा लगा होगा ये व्लॉग, और तो ऐसे ही भाई ऐसे ही स्पोर्ट बनाए रखना है ना। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना। किसी मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।